हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 हिंदी विषय की आपकी सेकंड पुस्तक प्रतीका के अध्याय 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया कि अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से करा रखे हैं। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके अंतिम अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य या मजबूर कर दिया। तो इसका उत्तर होगा कि कवि शायद अपनी पत्नी की बीमारी से मृत्यु के कारण देहरादून से क्या हो चुका था, खिन्न हो चुका था, या फिर घर वालों द्वारा कुछ न करने के कारण उसको क्या लगा, उसको बुरा लगा, जिसके कारण वह बिना किसी को कुछ कहे घर से ले क्या हो गया, घर से दिल्ली के लिए निकल गया। यानी उसकी पत्नी की मृत्यु देहरादून में बीमारी के कारण हो गई थी, इसी कारण उसे देहरादून के प्रति लगाव कम हो गया। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि घर वालों ने उसके लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, इस वजह से वो नाराज होकर बिना किसी को कुछ कहे दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दूसरा प्रश्न, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? तो लेखक अपनी जो कविता है वो किसमें लिखता था, उर्दू और अंग्रेजी में ही लिखता था, लेकिन अपने कुछ हिंदी लेखक मित्रों की संगति में आकर उसे हिंदी के प्रति क्या हो गया, उसमें हिंदी के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, तब उसे अपने द्वारा अंग्रेजी में कविता लिखने का क्या हुआ, अफसोस हुआ, क्योंकि उसके घर का माहौल खालिस उर्दू था और इसीलिए उसे उर्दू में ही क्या थी, महारत हासिल थी। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए वह अंग्रेजी और उर्दू दो भाषाओं पर क्या था, आश्रित था, लेकिन हिंदी लेखकों के संपर्क में आकर उसे अपनी मूल भाषा का एहसास हुआ और वह क्या हुआ, हिंदी का लेखक बन गया, और इसी कारण उसे अंग्रेजी में कविता न लिखने का क्या हुआ होगा, अफसोस हुआ होगा। ठीक, अगला प्रश्न, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो देखिए, हम अपनी कल्पना से कह सकते हैं कि बच्चन जी ने नोट में कुछ इस तरह लिखा होगा कि प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हारा हाल चाल जाने चला आया, परंतु तुम नहीं मिले। मित्र, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी रचनाएं पढ़ी, तुम्हारे अंदर एक लेखक और कवि छुपा है। तुम अपना चारा ध्यान साहित्य साधना में लगाओ, एक दिन तुम उच्च कोटि के लेखक और कवि कहलाओगे। मेरी तरफ से तुम्हें हर प्रकार की सहायता मिलेगी, मुझसे संपर्क बनाए रखना। तुम्हारा मित्र हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये कुछ लिखा होगा। अगला प्रश्न, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? लेखक ने हरिवंश राय बच्चन की जो व्यक्तित्व की जो प्रमुख विशेषताएं थी या जो प्रमुख बातें थी, उन किन किन व्यक्तित्व की बातों को या किन किन रूपों को उभारा है? तो देखिए, लेखक के अनुसार बच्चन जी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित रूप इस प्रकार है। पहला, बच्चन जी एक सहृदय कवि थे। क्या थे? सहृदय कवि थे। दूसरा, बच्चन जी दूसरों की मदद करने हेतु समर्पित व्यक्ति थे। लेखक की कविता से ही वह इतने प्रसन्न थे कि उनकी पढ़ाई का जिम्मा उन्होंने अपने सर पर ले लिया था। बच्चन जी प्रतिभा पारखी व्यक्ति थे। लेखक की प्रतिभा का आकलन कर उन्होंने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। लेखक के अनुसार बच्चन की तुलना करना बहुत ही मुश्किल था। उनके अनुसार वह साधारण और सहज व्यक्ति थे। असाधारण शब्द तो जैसे उनकी मर्यादा को कम करने जैसा था। तो ये उन्होंने बच्चन जी की प्रमुख विशेषताओं को उजागर किया है। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? यानी कि बच्चन साहब के अलावा लेखक को किन लोगों का और कैसा साथ मिला, वो आपको बताना है। तो पंत के संयोग से लेखक को हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूप में एक सीट प्राप्त हो गई थी और साथ ही इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम भी मिल गया। इसके सहयोग से, पंत के सहयोग से। दूसरा, उकिल आर्ट स्कूल में चारदा शरण के संयोग से लेखक को फ्री दाखिला मिल गया। अगला, पंत और निराला जी के संयोग और प्रेरणा से उन्होंने कविता लिखना क्या किया, प्रारंभ किया। तो बच्चन साहब के अलावा भी इन व्यक्तियों से लेखक को सहयोग मिला था। ठीक, अगला प्रश्न, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए कि आखिर लेखक के हिंदी लेखन में आने की प्रक्रिया क्या रही थी। तो देखें, सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद क्या हुई, पहली बार छपी। बच्चन के द्वारा प्रकार की रचना लेखक से करवाई गई। बच्चन द्वारा रचित निशा निमंत्रण से प्रेरित होकर
लेखक ने निशा निमंत्रण की कवि के प्रति क्या लिखी कविता लिखी। निराला जी का ध्यान सरस्वती में सपी कविता पर गया। इसके पश्चात उन्होंने कुछ हिंदी निबंध भी लिखे और बांध में हंस कार्यालय की कहानी में चले गए। तत्पश्चात उन्होंने कविताओं का संग्रह और अन्य कहानियां भी लिखी। तो इस तरह लेखक के हिंदी में आने की काफी लंबी प्रक्रिया रही। ठीक, अगला प्रश्न, लेखक ने अपने जीवन में किन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। यानी लेखक ने अपने जीवन की प्रक्रिया में किन किन मुसीबतों या कठिनाइयों का सामना किया वो आपको बतानी है। तो देखें, पहले सर्वप्रथम जब वो दिल्ली आए तो उनके पास 5-7 रुपए ही थे। उनको अपनी प्रतिभा के कारण फीस दिए बिना ही दाखिला मिल गया। उनके पास धन का अभाव था, यदि उन्हें मुफ्त दाखिला नहीं मिलता तो वे अपनी स्कूल की फीस भी नहीं दे पाते। अगला, वे जीवन के बहुत बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। वे बेरोजगार थे, उनकी पत्नी की टीबी से मृत्यु हो चुकी थी और वे बिल्कुल अकेले और कैसे थे अर्थहीन जिंदगी बिता रहे थे। साइन बोर्ड पेंट करके वो अपना गुजारा चला रहे थे। अगली, इसके पश्चात उन्होंने ससुराल वालों की मदद से उन्होंने केमिस्ट का काम सीखा और बच्चन जी के सहयोग से एमए की परीक्षा दे रहे थे, परंतु अपनी एमए भी वो पूरा न कर पाए। तो बच्चा जिन लेखक का जो जीवन है वो कई सारी मुश्किलों में क्या हुआ है गुजरा है और उन्होंने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना किया है। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से जान लिए हैं। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।